चलो ये क्वेश्चन पढ़ लो, रीड कर लो इस क्वेश्चन को, ठीक है स्टार्ट करें। देखो इस क्वेश्चन में एक आइडियल डायोड लगाया गया है, ठीक है, साथ में एक रेजिस्टर है। एवरेज पावर डिसिपेट जो होगी रेजिस्टर के अक्रॉस वन साइकिल में निकालना है। तो सबसे पहले पावर का इक्वेशन क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसको आप रिप्लेस कर दो ई से, ई स्क्वायर बाई आर, ये वैल्यू होगी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये वैल्यू यहां रखी जाए तो ई नॉट साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये पी इंस्टेंटेनियस पावर है, ये ध्यान रखना, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि एवरेज के लिए, एक साइकिल के एवरेज के लिए जो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, 1/2 एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो ई नॉट स्क्वायर बाई टू आर ये एवरेज पावर हो जाएगी। अब ऊपर क्या थी, इंस्टेंटेनियस पावर, जैसे ही आपने साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1/2 रखी, ये बन गई एवरेज पावर, ठीक है। लेकिन ये एवरेज पावर विदाउट डायोड है, विदाउट डायोड, ठीक है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पावर जो है डिसिपेट होगी उसकी वैल्यू है। लेकिन अगर डायोड लग जाए तो डायोड लग जाता है अगर, ठीक है, इसमें सीधा करो, जैसे डायोड के केस में क्या होता है, जैसे नॉर्मली विदाउट डायोड ये होता है फ्लक्चुएशन वोल्टेज का, लेकिन विद डायोड फ्लक्चुएशन का वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ऐसे होता है, पॉजिटिव वाला तो दिखता है लेकिन निगेटिव वाला आपको नहीं मिलता है, ये विथ डायोड है और ये विदाउट डायोड है। क्यों, क्योंकि ये पी साइड है, ये एन साइड है डायोड की, इस साइड में करंट अलाउ है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। ध्यान से देखो, करंट इस डायरेक्शन में चलेगी तो ऐसे घूमेगी करंट, तो फॉरवर्ड बायस वो करंट अलाउ है। लेकिन अगर रिवर्स बायस में करंट घूमेगी तो, रिवर्स बायस यानी इधर करंट अगर ऐसे जाएगी इस डायरेक्शन में घूमेगी, ठीक है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी करंट की डायरेक्शन ये, इसमें करंट अलाउ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि रिवर्स बायस हो जाएगा, इसलिए निगेटिव साइड आपको नहीं मिलता, नीचे वाला साइड आपको नहीं मिलता, एक साइड आपको मिलेगा एक साइड नहीं मिलेगा। तो पावर ये विथ विदाउट डायोड है, तो विथ डायोड क्या हो जाएगा, पावर जो है और आधी हो जाएगी, एवरेज पावर की आधी हो जाएगी विथ डायोड, और ये पूरी वैल्यू ये थी आपकी विदाउट डायोड। तो ये कितनी हो जाएगी, ई नॉट स्क्वायर अपॉन टू आर डिवाइडेड बाई टू, यानी ई नॉट स्क्वायर बाई फोर आर हो जाएगी, करेक्ट है। तो ये विथ डायोड पावर जो डिसिपेट होगी वो ई नॉट स्क्वायर बाई फोर आर, कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप।